सत्ता का सुख कोई भी छोड़ना नहीं चाहता। एक बार सत्ता मिल जाए तो फिर नेता हर जतन करता है कि हमेशा सरकार में बना रहे, और कुछ ऐसी ही चाहत रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के मन में है। इसके लिए उन्होंने रूस के संविधान में ही संशोधन करा दिया। तो कब तक रूस में सत्ता पर काबिज रहेंगे पुतिन, देखिए ये रिपोर्ट। व्लादिमीर पुतिन को रूस की सत्ता में आए 2 दशक से ज्यादा का वक्त बीत चुका है। दिसंबर 1999 में पुतिन प्रधानमंत्री बने थे, इसके बाद 2000 से 2008 तक राष्ट्रपति रहे। उस वक्त रूस में राष्ट्रपति का कार्यकाल 4 साल का ही होता था, जिसे 2008 में बढ़ाकर 6 साल कर दिया गया, क्योंकि पुतिन 2000 से लेकर 2008 तक लगातार 2 बार राष्ट्रपति रह चुके थे। रूस के संविधान में लगातार 2 बार राष्ट्रपति चुने जाने वाला व्यक्ति तीसरी बार चुनाव लड़ने के अयोग्य घोषित हो जाता है, इसलिए पुतिन तीसरी बार राष्ट्रपति की दावेदारी पेश नहीं कर सके। लेकिन 2008 से 2012 तक वो रूस के प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बैठने पर कामयाब रहे। 2012 में वो एक बार फिर राष्ट्रपति बन गए। 2018 में वो चुनाव जीते। उनका कार्यकाल 2024 तक था, इसके बाद उनके चुनाव लड़ने पर फिर रोक लग सकती थी, लेकिन पुतिन ने संविधान में संशोधन करवाकर आगे के लिए भी रास्ता साफ कर दिया है। इस कानून के द्वारा पुतिन की राह आसान हुई है। उस पर हस्ताक्षर भी पुतिन को ही करने थे, जो उन्होंने कर दिए। इसके बाद पुतिन अब 2036 तक रूस की सत्ता पर बने रह सकते हैं। डीबी लाइव की रिपोर्ट।